بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم राई कोट है जनाब 10 किलोमीटर यहाँ से नांगा पर्वत व्यू पॉइंट से और उसके बाद ऑफ रोड स्टार्ट हो जाएगा जो कि तकरीबन आप कह सकते हैं 55 और 60 किलोमीटर है और जिस पे 2 घंटे लगते हैं। अल्लाह करे आज वो वाली ऑफ रोड हम जल्दी से कवर कर लें और जो बाइकर सुबह मुझे दोबारा मिले थे नाश्ते पे जिनके साथ मुलाकात हुई थी वो दोबारा मुझे मिल गए हैं और अभी हम आगे जा रहे हैं जनाब नारान में इंशाल्लाह हम आज स्टे करने लगे हैं। बादलों ने आज जनाब नांगे पर्वत को छुपाया हुआ है अपनी ओट में लिया हुआ है और आज हम दीदार नहीं कर सके मतलब ज़रा भी। कैन यू इमेजिन वो सामने वाले बादलों में नांगा पर्वत छुपा हुआ है यार लाइक मतलब अगर कोई पहली दफ़ा आ रहा हो उसको पता ही नहीं चलेगा उसको लगेगा कुछ भी नहीं है देर इज़ नथिंग सिर्फ बादल है आसमान है बट नो देर इज़ अ माउंटेन पीक टचिंग द स्काई टोटली डिफरेंट सीन होता है यार इसका। मेरी एक्साइटमेंट में शायद वर्ल्ड आगे पीछे हो रहे हैं प्लीज़ जस्ट इग्नोर इट क्योंकि पहाड़ों से मोहब्बत ही ऐसी है और स्पेशली नांगा पर्वत ओ माई गुडनेस अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से और खैर वाफियत के साथ सफ़र हमारा हो चुका है अस्तोर वाला रोड और किसी किस्म का मसला नहीं आया। मैं थोड़ा सा रिव्यू दे दूँ रोड इज़ प्रिटी ग्रेट गुड मतलब इतना ऑफ रोड नहीं है ईजिली जाया जा सकता है इस रोड पर मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा ख़राब है लेकिन रोड ठीक था मतलब रोड के नामों निशान मौजूद थे तो रोड वॉज प्रिटी अमेजिंग। ये मैं पहुंच गया जनाब रायकोट ब्रिज जहाँ से फेरी मेडोज़ का ट्रैक स्टार्ट होता है वो जो ऊपर जीप्स आ रही हैं वो ट्रैक जा रहा है जनाब तातो विलेज यहाँ से ऐसे घूम के इन पहाड़ों की बैक पे फेरी मेडोज़ की तरफ। जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा आज का दिन मैंने त्योसाई से अपनी राइड स्टार्ट की थी और मुसलसल बारिश में राइड करते करते मैं पहुंच गया नांगा पर्वत व्यू पॉइंट पर। रायकोट से चलास के एरिए को मैंने बहुत क्विकली क्रॉस किया और जैसे जैसे मैं बाबूसर टॉप की तरफ बढ़ने लगा मौसम एक दफ़ा फिर बारिश वाला और शदीद सर्द होता गया। यार क्या खूबसूरत नज़ारे थे बाबूसर टॉप बिल्कुल बादलों में गिर चुका था। Cannot believe this. 13,212 फुट altitude, 5:30 बज चुके हैं. Oh my goodness, my hands. Okay, जनाब बाबूसर टॉप मैंने क्रॉस कर लिया है जैसा कि आपने देखा है कितना ज़्यादा फॉग थी और बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की ठंड। एवेंचुअली मुझे जो है एक छली वाले के पास जाके हाथ गर्म करने पड़े हैं उसके बाद जाके कोई सुकून आया अल्हम्दुलिल्लाह। और ख़ुदा की कुदरत चेक करें इस तरफ बिल्कुल भी ज़ीरो फॉग उस तरफ 100% फॉगी ज़ीरो विजिबिलिटी और यहाँ पे चेक करें बिल्कुल क्लियर मौसम और धूप का भी सीन ऑन होने वाला है
सो दिस इज कॉल्ड द मेजेस्टिक बाबूसर टॉप, वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल पासेस इन द वर्ल्ड। अभी हम डिक्लाइन कर रहे हैं, 13,215 फुट आल्टीट्यूड से अब हम नीचे जा रहे हैं। लेट्स सी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप डायरेक्ट हम ब्रेक लगाएंगे नारान में। मेरे टूर का ये कोल्डेस्ट डे आप कह सकते हैं, एक्सट्रीम कोल्ड। सुबह से मैं ठंड में बाइक चला रहा हूँ, बारिश ठंड एक्सक्यूज मी, और नाक मुसलसल बह जा रही है। एंड लोगों की गाड़ियाँ गर्म होके बंद हो रही हैं, ज़ाहिर है इतना ज़्यादा आल्टीट्यूड है तो ये तो होगा। बस अब जल्दी से नारान पहुंचना है। ये सारे के सारे सीन्स मैं आपको सेकेंड एपिसोड के अंदर दिखा चुका हूँ इस सीरीज़ के। टुडे इज़ द सेकेंड लास्ट एपिसोड। सेकेंड एपिसोड में आपको सेम यही सीन्स दिखाए थे, और बस आपने अगर इन्जॉय करने हैं तो वो सीरीज़ आप पूरी देखें। और ईद के दिन मैं यहाँ से गुजरा था, ईद का पहला दिन था, ईद की नमाज़ नारान पढ़ के तो मैं यहाँ से बाबूसर को मैंने क्रॉस किया था। एंड आई वॉज वन ऑफ वेरी फ्यू टूरिस्ट दैट डे। ओह माय गॉडनेस, जो बर्फ से लोग खेल रहे हैं, बाबू सर जाएंगे तो लग समझ जाएगी। हम ठंड से पागल होके आ रहे हैं या ये बर्फ हाथ में लेके घूम रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैं उधर आग के बीच में हाथ देने के चक्करों में था कि बस किसी तरह हाथ गर्म हो। एनी हाउ, ये है कुदरत का कमाल कि मौसम किस तरह बदलता है। अभी मौसम बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, कोई ठंड नहीं, कुछ भी नहीं, जस्ट मज़े का चिल सीन है। लुलुसर लेक क्रॉसिंग वंस अगेन। पिछले महीने में दो दफ़ा क्रॉस की इस लेक को, तीन दफ़ा, इस महीने में एक दफ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह। रायकोट पे बहुत ज़्यादा क्लाउडी था मौसम, तो नांगा पर्वत तो हमें नज़र नहीं आया, लेकिन सी द टाइगर पीक 4,580 मीटर अबव द सी लेवल, दिस इज टाइगर पीक। दिस इज ऑल्सो नोन एज मिनी K2 ऑफ पाकिस्तान। बहुत ही कमाल की खूबसूरत टाइगर पीक है। और मैंने जून के स्टार्ट में, जब बाबूसर नहीं खुला था, सब बर्फ थी यहाँ पे, मैंने इस टाइगर पीक के सामने जलखड़ में की थी जनाब कैंपिंग, और उसका व्लॉग मेरे चैनल पे मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं कि मैंने नाइट कैंपिंग यहाँ पे कैसे अकेले की थी। सो यू गोना लव इट। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग फ्रॉम नारान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जी द बेस कैंप होटल नारान में, और ये मेरा स्पॉन्सर्ड स्टे है यहाँ पे। और मैं अपने टूर के सेकंड डे भी नारान रुका था, सेकंड नाइट आई मीन। तो आज मैं फिर द बेस कैंप होटल में स्टे कर रहा हूँ। बहुत ही कमाल का होटल है और बिल्कुल नया बना है, और बेसिकली इस होटल का मकसद है ट्रैवलर्स को एक तरह से फैसिलिटेट करना। तो बेसिकली ये ट्रैवलर्स के लिए होटल बना हुआ है, ये आम टूरिस्ट के लिए नहीं है, ट्रैवलर्स के लिए। जैसे मैं बाइकर ट्रैवलर हूँ, इस तरह के बाकी जो ट्रैकर्स हैं, माउंटेनियर्स हैं, तो उस तरह का ये इन्होंने एक स्टे टाइप बनाया हुआ है। काफ़ी लग्जरी किस्म का होटल है, साथ ही इनका अपना रेस्टोरेंट भी है, वहाँ से आपको खाना भी बहुत रीज़नेबल रेट्स पर मिलता है।
और रूम की क्या डिटेल है, क्या रेट्स है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ से अवेलेबिलिटी भी चेक कर सकते हैं और रेट्स भी चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, मैंने खाने में ऑर्डर किया है, पहले एज एपिटाइज़र मैंने हॉट एंड सोर सूप ऑर्डर किया है, वो आता है तो सूप इन्जॉय करते हैं। उसके बाद मैंने खाने में चिकन फ्राइड राइस ऑर्डर किए हैं, तो भूख मुझे बहुत शदीद किस्म की लगी हुई क्योंकि पूरा दिन बारिश में ठंड में राइड की है, तो रुक के कहीं कुछ खाने का मौका नहीं मिला, तो लंच आता है, सूप आता है, वो इन्जॉय करते हैं। ओके जी, मैंने खाने से पहले ऑर्डर किया था सूप, क्योंकि आज यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है और मैंने कहा चलें हॉट एंड सोर सूप इन्जॉय करते हैं। सूप मुझे दे गए, आपको चेक कराता हूँ। चेक दिस आउट यार, कितना मज़े का लग रहा है। और अभी सूप इन्जॉय करते हैं और उसके बाद फिर हमारा खाना आ जाएगा, डिनर। और इन द मीन टाइम वहाँ पे चीज़ें मैंने सारी क्लीन कर दी हैं, क्योंकि बारिश थी सारा दिन ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें वो हो गई थी, तो उनको क्लीन भी कर लिए, साथ में डाटा ट्रांसफ़र भी चल रहा है लैपटॉप पे। और टाइम हो रहा है जनाब 9:35, 7926 आल्टीट्यूड है यहाँ का, और ये टेम्परेचर रूम का बता रहा है, बाहर का नहीं, बाहर बहुत ठंड है। चाय मैंने मंगवाई है बिल्कुल खाने के बाद, क्योंकि मैंने साथ काम करना है, डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, चीज़ें कुछ देखनी है, तो इसलिए मैंने चाय, अब मैं यहाँ बेड पे बैठ के पीऊँगा और उसके बाद गुड नाइट हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नारान। जनाब आज है मेरे टूर का आखिरी दिन और मैं ट्रैवल करने लगा हूँ नारान से इस्लामाबाद की तरफ। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं रूट लूँगा जनाब गढ़ी हबीबुल्ला से होता हुआ मुजफ़राबाद, और मुजफ़राबाद में एक दोस्त से मिलना है, उनसे मुलाकात करने के बाद हम निकलेंगे इस्लामाबाद की तरफ। ये रूट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए भी, क्योंकि आते हुए मैं हरिपुर वाली साइड से आया था, तो मैंने कहा चले यार वापसी का थोड़ा सा जो है ना हम रूट अपना डिफरेंट करते हैं। एक तो नारान में क्योंकि रश ज़्यादा है, तो इस रास्ते पे हमें रश ज़्यादा मिलेगी, इसलिए मुजफ़राबाद की तरफ से मैं निकल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे मुझे रश भी कम मिलेगी और थोड़े से डिफरेंट व्यूज़ मिलेंगे। वंस अगेन मैंने यहाँ पर स्टे किया था द बेस कैंप होटल नारान में, बहुत ही कमाल का होटल बना हुआ है और ओनर है इसके हारिस भाई, जिन्होंने इस होटल को डिज़ाइन किया ट्रैवलर्स के लिए, जितने भी ट्रैवलर्स हैं, चाहे माउंटेनियर्स हैं, बाइकर्स हैं या हिचहाइकर्स हैं, उन सब के लिए डिज़ाइन किया गया ये होटल। और इसका मैस भी बहुत मज़े का है, रेस्टोरेंट भी बहुत मज़े का है और यहाँ का स्टे भी बहुत कमाल का है। पिछले व्लॉग्स में मैं आपको डिटेल से इस होटल के बारे में बता चुका हूँ। सामान मैं रात को, बाइक मेरी अंदर ही थी और मज़े की बात मुझे इतना प्रोटोकॉल दिया कि मेरी बाइक उन्होंने होटल की लॉबी के अंदर ही पार्क करा दी, क्योंकि बाहर बारिश हो तो ताकि बाइक गीली वगैरह ना हो। सामान मैंने कुछ बाइक के ऊपर छोड़ा था, कुछ कैमरा गैजेट्स वगैरह थे जिनको चार्ज करना था, वो चार्ज हो गए, अभी बैग में डालते हैं टैंक बैग में और अपनी राइडिंग किट पहनते हैं और सी यू ऑन द बाइक। ओके जी, नाश्ता मेरा आ चुका है और नाश्ते के साथ मेरे साथ एक गेस्ट भी है, फैसल कैसा है? और अभी नाश्ता करते हैं फिर इंशाल्लाह निकलेंगे। कुछ ऐसा सीन है जी बाहर और मौसम थोड़ा बहुत चेंज भी हो रहा है, धूप भी आ रही है, क्लाउडी भी है, बारिश का भी मौसम है। चलें जी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट और नाश्ता करते हैं फिर इंशाल्लाह बाइक पे बैठते हैं और निकलते हैं नारान से। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा जी।
असगर साहब को भी मेरी साहब तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू चाचू, बड़ी मेहरबानी, बहुत अच्छा खाना माशाल्लाह आप बनाते हैं जी। मैंने रात को हारिस को बताया, मैंने कहा चाचू खाना बहुत कमाल का बनाते हैं। ये डीसी के एक्स वो रिटायर्ड है। अच्छा, इसलिए खाने का टेस्ट माशाल्लाह सही से सही। चलें, बाकी स्टाफ का भी बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बस आप खुश हैं जो थैंक यू थैंक यू थैंक यू बेस्ट। और जनाब मैंने क्रॉस कर लिया है कागान भी और मैं पहुंच चुका हूं महांड्री में। थोड़ा सा मेरा ऑफ रोड पैच रह गया और यहां पे आके बारिश थोड़ी सी रुक चुकी है, हल्की हल्की अभी भी हो रही है, शायद कैमरे में नज़र नहीं आ रही हो, लेकिन अब मैंने कहा चलें गोप्रो प्लग इन कर लेते हैं, अब थोड़ा सा रिकॉर्ड करके आपको भी दिखाते हैं। पीछे बहुत तेज़ बारिश थी जब से मैं नारान से निकला हूँ, लास्ट ड्रोन शॉट में आपने शायद नज़र आया आपको कि बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने इमरजेंसी में ड्रोन को नीचे मैं लेके आया, एकदम तेज़ बारिश आई और मैंने वहाँ पे जनाब अपने आप को पैक किया और उसके बाद मैं निकल पड़ा और तकरीबन 1.5 घंटा मैं राइड कर रहा हूँ बारिश में और अब मैं महांड्री के करीब पहुँच चुका हूँ। ऊपर नारान में तो काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, बारिश में बाइक जब मैं चला रहा था तो हाथों को सही ठंड लग रही थी। अभी बारिश रुक चुकी है, मैंने ग्लव्स उतार दी, मैंने कहा थोड़े से ये भी जो है ड्राई हो जाएं, क्योंकि ये अगर मैं पहने रखता तो मेरे हाथ और ज़्यादा फ्रीज़ हो रहे थे और थोड़े से हाथ भी खुश्क हो जाएंगे, हवा लगेगी ना। और मैं चूँकि समर के हिसाब से आया था प्लान में, लेकिन बारिश के बाद मौसम काफ़ी चेंज हुआ तो मेरे पास विंटर ग्लव्स या वाटरप्रूफ ग्लव्स हैं वो मैं नहीं लेके आया था। सो चलें कोई बात नहीं, अब तो हमने क्रॉस कर लिया ठंड वाला इलाका और वैसे भी अब हम 5200 फुट के आल्टीट्यूड पे आ चुके हैं, यहाँ पे बारिश भी अगर होती है तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होगी। अभी चूँकि मैं थोड़ा बहुत गीला हुआ हूँ, लाइक मतलब ऊपर ये रेन सूट पहना हुआ है और ये सारा कुछ ना, तो इस वजह से थोड़ा बहुत मुझे हवा ठंडी फील हो रही है, लेकिन अभी 30 मिनट्स के बाद या KY क्रॉस करने के बाद तो फिर ये वाली चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। वैसे ऊपर मुझे देख के बादलों को ऐसे फील आ रही है जैसे उस तरफ जो है धूप है, बारिश बस यहीं तक ही थी। ये आ गया जनाब महांड्री का मेन बाज़ार और यहाँ से हमारी ऑफ रोडिंग वाली ख्वारी होगी ख़त्म, तो अब इंशाल्लाह हम ज़रा स्पीड मेंटेन कर सकेंगे। ये छोटी छोटी बारिश होती रही है ना, इसमें ख़तरा ये होता है लैंडस्लाइड का, पानी पहाड़ के अंदर रिसता रहता है तो वो किसी भी टाइम फिर जो है ना कहीं से लैंडस्लाइड हो सकती है। सो अल्लाह करे कि ऐसा कुछ सीन ना हो और हम खैरियत से जो है इस्लामाबाद पहुंच जाएं, कहीं पे रास्ता ब्लॉक होने का कोई वो ना हो और इंशाल्लाह हम टाइमली इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे। 4764 फुट हाइट पर आ चुका हूँ मैं, जैसे जैसे नीचे आ रहा हूँ तो अब वो फील सर्दियों वाली ख़त्म होती जा रही, गर्मियों में कन्वर्ट होती जा रही है। आई डोंट नो इस्लामाबाद में कैसा मौसम है, वैसे रात को तो डेली इस्लामाबाद में बारिश हो रही है आजकल और देखते हैं कि क्या सीन्स हैं आगे। बारिश जो है दोबारा स्टार्ट हो चुकी है यार, तेज़ बारिश, रुक के मुझे गोप्रो उतारना पड़ेगा। ये चेक करें कितनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है पहाड़ी इलाकों की बारिश का कोई भरोसा नहीं है भाई, कभी भी आ सकती है, गोबरों मेरे ख्याल में बेहतर है राख ही देते हैं। ओके जनाब, मैंने महांड्री वगैरह क्रॉस कर लिया है और बारिश कम्प्लीटली रुक चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे धूप थी तो मैं यहाँ पे रुका हूँ, मैंने कहा कुछ चाय शाय पी लेते हैं और इतनी देर में चीज़ों को भी ज़रा ड्राई कर लेंगे। और अभी मैं बिल्कुल बालाकोट इंटर होने वाला हूँ और बालाकोट इंटर होते हैं उसके बाद वहाँ से हम इंशाल्लाह जो है गढ़ी हबीबुल्ला वाली रोड पे इंटर हो जाएंगे और वहाँ से हम आगे मुजफ़्फ़राबाद की तरफ निकलेंगे। सो चलें, चीज़ें वगैरह ऑलमोस्ट ड्राई हो चुकी हैं, आगे निकलते हैं। एबटाबाद 77, मानसेरा 54। बारिश के बाद देखिए चीज़ें किस तरह निखर गई हैं, बिल्कुल सब कुछ धुल चुका है और जगह जगह ये देखिए आलू बुखारे वाला है जिस तरह स्कर्दू में जगह जगह खुबानियाँ थी, यहाँ पे सारे आलू बुखारे वाले जना बैठे हुए हैं, ये क्या रख के बैठे हैं जनाब, ये भी कुछ ऐसे ही सीन है। अच्छा अंजीर है लेकिन वो बिल्कुल छोटी छोटी थी, कच्ची लगता तोड़ लाए हैं दरख्त से। ब
बहुत कमाल का सीन है, सुभान अल्लाह। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, धूप निकल आई है। 4,754 फुट आल्टीट्यूड, 11 बज चुके हैं पूरे, और अब यह है कि रोड्स भी ड्राई हैं, मैं ज़रा स्पीड भी मेंटेन कर सकता हूँ, और ठंड भी ख़त्म, और आहिस्ता आहिस्ता अब चीज़ें भी ड्राई होना शुरू हो जाएंगी। बस मुझे लैपटॉप वाले बैग का डर है, क्योंकि उसका जो रेन प्रूफ कवर था ना, वो फट गया, तो उसके अंदर छोटे छोटे ना होल्स बन गए, तो अब वो बैग पूरा भीगा हुआ है। मैंने कहा चलो अब धूप निकली है, हवा लगेगी उसको, तो ये ड्राई हो जाएगा। अंदर लैपटॉप के ऊपर मैंने शॉपर चढ़ा दिया था, मैंने कहा चलो अगर कोई पानी बैग के अंदर जाता भी है तो कम अज़ कम वहाँ लैपटॉप तक ना पहुँचे। बालाकोट सिटी एंट्रिंग, ये पुलिस चेक पॉइंट है, एक बैरियर्स लगे हुए हैं। इसके बाद यस वो सामने बड़ी चौक आ गया, वहाँ से जो है हम लेफ्ट ले लेंगे। यस टेक अ लेफ्ट फ्रॉम हेयर, ये है जनाब बीसियाँ चौक। ये एक बड़ा सा ये बना हुआ है, इसको क्या कहते हैं, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली। ओके, यहाँ से जो है मुजफ्फराबाद 28 किलोमीटर है, और ये जो है एक छोटी सी पगडंडी टाइप सी जो है रोड है, दोनों तरफ घर हैं, खेत हैं, और बड़ी खूबसूरत से जो है व्यूज़ हैं इस रोड के, और ये जाती है जनाब सीधी मुजफ्फराबाद। आगे जाके मेरे ख्याल में गड़ी हबीबुल्लाह के बाद ये रोड थोड़ी खुली हो जाएगी, और स्टार्टिंग में ये कुछ इस तरह का जो है ना एक गाँव वाली वाइब आती है। ये चेक करें, सफ़ेदे के ऊँची ऊँची दरख्त हैं, उन दरख्तों के बीच में से जाते हुए बीसियाँ आई केयर सेंटर। गड़ी हबीबुल्लाह वो मकाम है जहाँ से कुनार रिवर टर्न करता है, बालाकोट से एग्ज़िट हो जाता है, और फिर ये आके मुजफ्फराबाद में जनाब दरिया नीलम में आके गिरता है, और दरिया नीलम और ये जो है ना दरिया कुनार, ये मिलके फिर आगे दरिया झेलम बनाते हैं। तो ये इस तरह जो है मर्ज हो रहे हैं, तो मेन जो है वो दरियाए झेलम है जिसमें ये दोनों दरिया गिरते हैं। तो कुनार रिवर बेसिकली बाबूसर से स्टार्ट हुआ, लुलूसर लेक से, और यहाँ पे मुजफ्फराबाद में आके ख़त्म। ये है जनाब गड़ी हबीबुल्लाह जो मैं क्रॉस कर रहा हूँ। गड़ी हबीबुल्लाह के बाद जो है केपी को हम एग्ज़िट कर लेंगे, और हम एंटर हो जाएंगे कश्मीर में। तो वहाँ मेरे ख्याल में एक चेक पॉइंट भी आता है कश्मीर, जहाँ से इंटर होंगे ना हम, थोड़ा सा भी आगे है। यहाँ पे मुझे ट्रैफिक पुलिस ने रोका है, कहते हैं जी ड्राइविंग लाइसेंस दिखाए, आउट ऑफ नो वेयर वहाँ खड़े हुए थे पीछे, और ड्राइविंग लाइसेंस लकीली वॉलेट ऊपर ही था, मैंने लाइसेंस निकाल के देखा। मैंने कहा यार मैंने कोई वॉयलेशन की है, हेलमेट भी पहना हुआ, सब कुछ सेट है, तो विदाउट एनी वॉयलेशन आप रोक के ड्राइविंग लाइसेंस पूछ रहे। खैर क्या कह सकते हैं, पाकिस्तान है भाई, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे लाइसेंस दिखाया मैंने अंदर, रिजल्ट जाए जी, वाह टाइम ही जाया किया तुम लोगों ने। ये देखें शॉपर बाहर फेंक दिए, खा के ना रैपर बाहर फेंक दिए, और इस कौम की ड्राइविंग लाइसेंस चेक करेंगे, क्या बात है। ये देखें एक और चीज़ फेंकी है वायर। ये है मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर का कैपिटल सिटी।
2005 के जलजले ने इस शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था और इसी वजह से मेरी इन इलाकों के लिए एक खास किस्म की इमोशनल अटैचमेंट है। बालाकोट से मुजफ्फराबाद तक का ये एरिया जलजले ने तकरीबन कम्प्लीटली तबाह कर दिया था। और जनाब ये है आइकॉनिक अर्थक्वेक मेमोरियल ब्रिज जिसको 2005 के जलजले की याद में बनाया गया। और जनाब मेरे हिसाब से अगर आप इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद को कंपेयर करें तो मुजफ्फराबाद इस्लामाबाद से कई गुना ज़्यादा खूबसूरत है, जैसा कि आप ड्रोन फुटेज में देख रहे हैं। यार क्या कमाल का शहर है ये। सो जनाब इसी खूबसूरत शहर के साथ हम भी अपनी इस खूबसूरत सी एपिसोड को और इस खूबसूरत सी स्कर्दू सीरीज को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ साथ आप लोगों ने भी मेरी स्कर्दू सीरीज को अच्छे से एंजॉय किया होगा। काश मेरे पास टाइम होता तो मैं यहाँ से सीधा कश्मीर निकल जाता, लेकिन टाइम कॉन्स्टेंट्स की वजह से मुझे इस्लामाबाद पहुँचना था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं शाम के तकरीबन 4 बजे तक इस्लामाबाद पहुँच गया था। सो जनाब मेरी ये सीरीज़ आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आप वीडियो को लाइक कर दें और अगर इस सीरीज़ से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है जो आप मुझसे डायरेक्टली पूछना चाहते हैं तो आपके सामने इंस्टाग्राम का लिंक आ रहा है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। सो जनाब ये सीरीज़ तो यहाँ पे एंड हुई, अब आगे का क्या प्लान है उसकी डिटेल आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। सी यू गाइस इन अ वेरी एक्साइटिंग नेक्स्ट सीरीज़। अल्लाह हाफिज़।